नमस्कार मित्रांनो, खूप खूप स्वागत आहे तुमचं आपल्या या व्हिडिओ मध्ये. मित्रांनो, उद्या होणार आहे ईटीकेटीचा बॅकलॉगचा पहिला पेपर HAN 101. ठीक आहे, तर या पेपरमध्ये तुम्हाला हिंदी असेल 40 मार्काला आणि इंग्रजी असेल 40 मार्काला. ठीक आहे, आता हा पेपर बॅकलॉगचा असल्यामुळे सगळ्या विद्यार्थ्यांना अनुभव आहे अगोदरचा, त्यामुळे जास्त काही सांगायची आवश्यकता नाही. ठीक आहे, कशा प्रकारे पेपर लिहायचा, काय व्हायचं, तर तुम्हाला मी थोडंफार सांगतो याच्यामध्ये. ठीक आहे, तर तुम्हाला याच्यामध्ये बघा अशा प्रकारचा पेपर असेल. आता बघा, हा 2022 चा पेपर आहे आणि माझ्याकडे 2023 चा पेपर आहे. ठीक आहे, तर 2022 मध्ये बघा तुम्हाला हिंदीचा पॅटर्न कसा होता. इथे बघा तुम्हाला एक सॉरी हा ठीक आहे, हिंदीसाठी तुम्हाला जे इथे 1.5 तास वेळ मिळतो आणि इंग्रजीसाठी सुद्धा तुम्हाला 1.5 तास वेळ मिळतो. ठीक आहे, तर प्रत्येकावेळी तुम्हाला 2 2 प्रश्न विचारले जातात. हिंदीमध्ये बघा तुम्हाला कोणता प्रश्न पहिला असेल, खालील मतलब निम्नलिखित किन्नी 4 उपप्रश्न लिखी है. ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, दूसरा दिया रहेगा, तीसरा दिया रहेगा, चौथा दिया रहेगा और पांच दिया रहेगा. तो इन 5 में से आपको कोई भी 4 जो प्रश्न है उनका आपको आंसर लिखना होता है. ठीक है, और दूसरा प्रश्न भी सेम होता है, इसमें भी आपको 5 में से 4 प्रश्न का उत्तर लिखना होता है. तो ये हो गया हिंदी का. ठीक, इसमें हर एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स मिलते हैं, टोटल हो गए 40 मार्क्स. ठीक है, यहाँ पर हो गए आपके 4 क्वेश्चन. ठीक है, ओके, तो 4 मतलब 4 5 20 और ये भी 20, तो 40 मार्क्स हो गए यहाँ पर. और दूसरा जो होता है अंग्रेजी का. ठीक है, तो अंग्रेजी भी आपको यहाँ पर जो है 1.5 घंटे के लिए टाइम मिलता है, इसमें आपको जो है 40 मार्क्स क्वेश्चन रहेगा. तो सेम इसमें भी आपको देखने को मिलता है. तो सॉल्व इन 4 सब क्वेश्चंस, तो 1 2 3 4 5, ऐसे 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. इनमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन जो है सिलेक्ट करने हैं, सॉरी कोई भी 4 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं. एकदम बहुत ही इजी होता है. इसके IMP क्वेश्चंस भी हम आगे देखने वाले हैं. तो यहाँ पर समझिए इस प्रकार से पेपर रहता है. क्वेश्चन 2 रहेगा यहाँ पर, देखिए इनमें भी सेम रहता है, कोई भी 5 में से 4 आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने और आपको क्वेश्चन पेपर लिखना है. ठीक है दोस्तों, अगर आपको एक पुराने क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप जो है मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, परीक्षित अभ्यास A to Talk, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा. इसको आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से. ठीक है, तो इसमें आपको एक क्वेश्चन पेपर वगैरह डाउनलोड करने को मिलेगा, और साथ ही इसमें जो आपको नोट्स वगैरह आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो आपको असाइनमेंट के आंसर वो भी आपको देखने को मिलेगा. तो इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपके इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारे पुराने क्वेश्चन. तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पर जो IMP क्वेश्चन है जो कल के पेपर में आ सकते हैं, तो इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो इसलिए इसी मकसद से मैंने जो है ये वीडियो बनाया है आप सभी के लिए. तो आप इस वीडियो में आप बने रहिए आखिरी तक, यहाँ पर मैं आपको जो है बताने वाला हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और किस प्रकार से आपको शॉर्ट में स्टडी करना है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन है, वाक्य के प्रकार स्पष्ट कीजिए, और दूसरा प्रश्न रहेगा वाक्य के गुण स्पष्ट कीजिए. प्रकार और गुण मतलब ये जो वाक्य वाक्य है, तो इस पर एक क्वेश्चन आपको आएगा, तो आपको ये पढ़ लेना है. ठीक है, कोई भी वाक्य का प्रश्न का आप यहाँ पर आंसर ढूंढिए अपने अपने बुक में. ठीक है, और उसमें आप इससे पढ़ के जाइए, तो वाक्य पर जो है आपको 1 या 2 क्वेश्चन 100% आएगा. ठीक है, तो आपके ध्यान में रखना है. तो वाक्य पर एक क्वेश्चन आएगा, उसके बाद वाणिज्य पत्रों के भेदों के रूपरेखा को स्पष्ट कीजिए. वाणिज्य पत्र, कार्यालयीन पत्र, कोई भी पत्र जो रहेगा उस पत्र पर आपको एक क्वेश्चन आएगा. ठीक है, तो आप कोई भी 1 2 पत्र पढ़ के जाइए, किस प्रकार से उसका फॉर्मेट होता है, कैसे लिखना होता है. ठीक है, अब उस पर आप पढ़िए, उस पर आपको एक क्वेश्चन आपको 100% आने वाला है. ठीक है, तो आपको पत्रों पर भी एक क्वेश्चन आएगा. ठीक है, आपके 2 क्वेश्चन फिक्स हो गए. उसके बाद है हिंदी भाषा के कोई भी 3 अर्थ, हिंदी भाषा क्या होती है, हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा क्यों है. ठीक है, वाक्य की परिभाषा, इस प्रकार में आपको हिंदी हिंदी भाषा पर आपको 1 2 क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, तो आपको ये भी पढ़ लेना है. उसके बाद हिंदी ही देश की राष्ट्रभाषा, देखिए जैसे मैंने आपको वहां पर पहले डिस्कस किया. ठीक है, वो आपको पढ़ना है. उसके बाद आपको कुछ मुहावरे का अनुवाद हिंदी में पूछा जाएगा, आपको उसे मराठी में ट्रांसलेट करना होता है. ठीक है, बहुत सारे आप यहाँ पर जो है कुछ मुहावरे मुहावरे देना चाहिएगा, जैसे कि पसीना बहाना, उसको मराठी में क्या बोलते हैं. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर आपको जो है ट्रांसलेट करना होता है. ठीक है, उसे क्या बोलते हैं कि मराठी से आपको हिंदी में, या फिर हिंदी से मराठी में आपको उसे ट्रांसलेट करना कहते हैं. ठीक है, और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया हिंदी शब्द कैसे बना वगैरह वगैरह. ठीक है, तो ये भी है इसमें. राष्ट्रभाषा में कौन कौन से मुख्य गुण होने चाहिए, जैसे कि हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है, तो वही इसमें आपको आंसर लिखना आएगा. ठीक है, आप ये भी पढ़ सकते हैं. तो सेम क्वेश्चन है, एक ही जो क्वेश्चन है, देखिए संपर्क भाषा किसे कहते हैं हिंदी में, आप जिसमें आप पढ़ रहे हैं, तो आपको तीनों क्वेश्चन का आंसर जो है सेम आएगा. तो आपको हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा क्यों है, हिंदू के गुण, हिंदी भाषा के परिभाषा, हिंदी भाषा के कोई भी 3 गुण, ये आपको पढ़ लेना है. इसका सबका आंसर एक ही है. ठीक है, भारतीय आर्य भाषा के प्रकार स्पष्ट कीजिए, ये भी आ सकता है. तो भारतीय आर्य भाषा कौन से थी. ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिख देना है. यहाँ पर आपको कुछ अंग्रेजी शब्द दिए जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया मराठी के कुछ शब्द आएंगे, हिंदी के आएंगे, उसको आपको ट्रांसलेट करना होता है. तो सेम यहाँ पर आ सकता है. सरकारी पत्र का नमूना, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर शुरू में बताया था. ठीक है, वाणिज्य पत्रों का भेद, तो पत्र पत्र आपको पत्र पर भी एक क्वेश्चन आएगा.
ठीक है। तो आप मेरे ख्याल से आप जो है, मैंने जो आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चन बता दिए हैं, ये 10 क्वेश्चन आप कीजिए, इनमें से आप जो है आराम से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हिंदी का। अभी हम देखते हैं अंग्रेजी का। तो इंग्लिश में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस लिखने होते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में दोस्तों प्रॉपर लिखने को कम होता है, ठीक है, शॉर्ट में आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या क्या आपको करना पड़ सकता है, कौन से कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। एक्सप्लेन 3 पैटर्न ऑफ सेंटेंस एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस पर आपको 100% जो है एक क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर सेंटेंस पैटर्न ऑफ सेंटेंस पर आ सकता है या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस पर आ सकता है, तो ये क्वेश्चन फिक्स है। उसके बाद है हाउ टू रीड मीनिंगफुल वे एंड हाउ टू डेवलप हॉबी। तो हॉबी, ठीक है, इस पर भी आपको एक क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर आप सेम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेक अ 5 सेंटेंसेस विच यूजेस पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। आपको यहाँ पर दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपकी जो ह्यूमन बॉडी है उस पर आप कोई भी 5 सेंटेंस लिखिए, जैसे कि नोज, एयर, माउथ, आई, ईयर, ठीक है, लेग्स, हैंड, फिंगर्स, इस पर आपको जो है कोई भी 5 सेंटेंस आपको तैयार करने हैं, तो ऐसा भी आ सकता है। हो सकता है यहाँ पर कोई और शब्द, और भी शब्द हो सकता है, जैसे कंप्यूटर, एनवायरमेंट, इंटरनेट, ठीक है, इसके इस पर आपको कोई भी 5 सेंटेंस या फिर 5 वर्ड आपको लिखने होंगे, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये फिक्स है आने वाला। ओके, उसके बाद यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि मेक अ 5 क्वेश्चंस वर्ड्स लाइक हु, व्हाट, वेयर, व्हिच, व्हेन। तो ये जो आपको वर्ड दिए रहेंगे, कुछ आपको वर्ड्स दिए रहेंगे, उसको यूज करके आपको जो है एक लाइन से एक सेंटेंस आपको यहाँ पर बनाना होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बताए हैं आपको 5 क्वेश्चंस बनाने होंगे इसको यूज करके। तो हु आर यू, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद व्हाट इज द टाइम नाउ, ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन होगा। वेयर आर यू, ये होगा तीसरा क्वेश्चन। व्हिच का मतलब होता है व्हिच मैंने व्हिच कंट्री फॉर, मतलब इसमें ये भी आप क्वेश्चन लग सकते हैं, व्हिच इज योर फेवरेट बुक वगैरह, व्हेन यू कम्स टू माई होम, ठीक है, ये इस प्रकार भी आप कुछ यहाँ पर क्वेश्चन बना सकते हैं इस प्रकार के, तो ये भी यहाँ पर आ सकता है। ये एक ग्रामेटिकली क्वेश्चन है, तो ये आराम से आ जाएगा, और ग्रामेटिकल तो आज आपको क्वेश्चन पेपर जो है ग्रामेटिकल पढ़ता है, ठीक है, तो ये आपको लिखना बहुत जरूरी होता है, बहुत ईजी होता है, कोई दिक्कत नहीं। राइट 5 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बिगिनिंग विथ व्हाट एंड हाउ। तो एक्सक्लेमेटरी सिंबल कौन सा होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो इस प्रकार सा होता है, ऐसा रहता है, खड़ा नीचे डॉट रहता है, तो ये भी आपको ये ज्यादातर आता है, ये ग्रामेटर का क्वेश्चन है, तो ये आ सकता है, तो इसको भी आपको पढ़ के जाना है। राइट 5 सेंटेंस इन यूज ऑफ टेंस। तो आपको देखिए दोस्तों, टेंस पर आपको 100% क्वेश्चन आने वाला है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है टेंस पर, तो आपको टेंस भी पढ़कर जाना है, ठीक है। सिमिलर मीनिंग सिनोनिम्स गिवन वर्ड। तो आपको यहाँ पर जो है सिनोनिम्स यानी कि जो सिमिलर वर्ड होते हैं आपको लिखना होता है, जैसे कि सिमिलर वर्ड आपको लिखना है, तो सिमिलर वर्ड कौन सा है, जैसे कार, कार का सिमिलर वर्ड कौन सा है, जीप, और ठीक है, तो ये कार का होता है, जैसे कि साइकिल का सिमिलर वर्ड कौन सा होगा, मोटरसाइकिल, तो ये जो होता है ये सिमिलर वर्ड होता है। उसके बाद आपको अपोजिट वर्ड भी लिखना होता है, तो अपोजिट वर्ड कौन सा है आपका, अपोजिट वर्ड कौन सा है, डाउन, ठीक है, डाउन का अपोजिट कौन सा है, अप, तो ये जो होता है ये डाउन वर्ड अपोजिट सिमिलर वर्ड होते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ आपको शब्द, कुछ वर्ड देते रहेंगे, उसमें से उसको यूज करके आपको जो है क्वेश्चंस बनाना पड़ता है, या फिर जो सेंटेंस होता है उसको आधा सेंटेंस आपको पूरा करना होता है, तो इस प्रकार से होता है। और कुछ इसमें आपको आ सकता है, आपको स्पेलिंग चेक करने को बोलेगा, राइट स्पेलिंग कौन सी है वगैरह, ठीक है, ऐसा भी आ सकता है। या फिर कुछ आपको वर्ड दिए रहेंगे मराठी में, हिंदी में, उसको आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना होता है, या फिर अंग्रेजी के वर्ड को आपको हिंदी मराठी में ट्रांसलेट करना होता है, तो इस प्रकार भी कुछ पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जैसे कि अनकम्प्लीट सेंटेंस भी होते हैं कुछ, इसको आपको पूरा करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक तो आपको लेटर या फिर डायलॉग राइटिंग या फिर एसे, ठीक है, इस पर आपको इस राइटिंग में आपको 100% एक क्वेश्चन आने वाला है। एक तो आपको डायलॉग राइटिंग आएगा या फिर एसे राइटिंग आएगा, तो या फिर आपको यहाँ पर जो है लेटर राइटिंग आएगा, तो इन तीनों में से एक आपको 100% आने वाला है, ठीक है, तो ये आपको लिखना है, तो ये आपको इसकी तैयारी आप करके जाइए। अगर 2 आए तो बहुत ही बढ़िया, आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। व्हाट इज द काइंड ऑफ रीडिंग, तो ये भी आ सकता है यहाँ पर, रीडिंग, राइटिंग वगैरह, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ सेंटेंस विद एग्जांपल्स, ये भी आ सकता है। व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन हम किसे बोलते हैं, उसके एग्जांपल आपको लिखने होते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, ट्रांसलेट वर्ड्स फ्रॉम इंग्लिश टू मराठी, मराठी टू इंग्लिश, हिंदी वगैरह वगैरह, ठीक है, ये भी आ सकता है। उसके बाद ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इंटू नेगेटिव पॉजिटिव विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग, ठीक है, तो नेगेटिव वर्ड को आप पॉजिटिव में करना है, पॉजिटिव को नेगेटिव में करना है, ये सेंटेंस आपको यहाँ पर बनाना होता है, ये भी आ सकता है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि लेटर टू पैकिंग बुक्स ऑनलाइन ऑर्डर, ठीक है, यहाँ पर आपको एक लेटर लिखने के लिए बोला जा सकता है, जैसे कि प्लेसिंग बुक्स ऑनलाइन ऑर्डर, तो आपको ऑनलाइन जो है बुक परचेस करना है या फिर प्लेस करना है, तो उसके लिए आपको एक लेटर लिखना है, ये भी आप इस पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों हमारे IMP क्वेश्चंस, तो ये काफी IMP क्वेश्चंस है।
सो आई होप अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए दोस्तों पुराने, तो आप मेरे एप्लीकेशन से ले सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दी है, आप वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहां से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइज बेस्ट ऑफ लक कल के पेपर के लिए, अच्छा पेपर आपका पेपर जाएगा अगर, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।